अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको शाओमी पोको M3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले शाओमी पोको पाकिस्तान मार्केट में शाओमी पोको C3 आया था, तकरीबन यही आया था। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो M3 है ये पाकिस्तान मार्केट में जल्दी आपको जल्दी इस महीने आपको देखने को मिलने वाली है, यानी नवंबर के महीने में तकरीबन आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो इसकी लॉन्च डेट का तो आपको पता चल गया है। तो इसके बाद अगर हम इस मोबाइल फ़ोन की दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि ये किस प्राइस में लॉन्च होने जा रहा है, और इसमें अगर किसी रेंज के अंदर प्राइस पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है तो किस प्राइस के अंदर आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक वीडियो में अगर बढ़ने से पहले अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना है। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर हम इस मोबाइल फोन की रैम की बात करें तो ये तकरीबन 4/64 GB के वैरियंट पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और इस मोबाइल फोन की चिपसेट की बात करें तो इस मोबाइल फोन की चिपसेट आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में देखने को मिलने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलने वाली है। तो ये आपको चिपसेट देखने को मिलने वाली है, वैसे आपको काफ़ी अच्छी चिपसेट देखने को मिलने वाली है, यानी गेम वगैरह के लिए बेस्ट है। पबजी गेम भी आप इस मोबाइल फोन पर खेल सकेंगे, तो पबजी गेम हाई ग्राफिक एच डी क्वालिटी के साथ खेल सकेंगे, हाई ग्राफिक के साथ खेल सकेंगे, अल्ट्रा एच डी तो नहीं खेल पाएंगे। तो फ्रेंड इसके बाद अगर हम इस मोबाइल फोन की CPU की बात करें तो वो ऑक्टा कोर का ही देखने को मिलने वाला है, और GPU की बात करें तो वो आपको एड्रेनो का ही देखने को मिलने वाला है। अगर हम डिस्प्ले साइज की बात करें इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले साइज आपको 6.53 इंच का देखने को मिलने वाला है, फ्रंट पर नोच देखने को मिलने वाली है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 MP का देखने को मिलने वाला है, और आपको फ्रंट पर डिस्प्ले नोच ही देखने को मिलने वाली है। और बैक कैमरा की बात करें तो तकरीबन 4 कैमरा भी आपको देखने, मेन कैमरा जो आपको तकरीबन 48 MP का देखने को मिलने वाला है। और चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, लीक स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। तो फ्रंट 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, और 8 MP का सेकंड सेंसर और 2 MP का मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। LED फ्लैश की बात करें तो वो भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिल सकती है। और हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड भी हो जाएगा, साइड माउंटेड तकरीबन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए, तो अंडर डिस्प्ले भी हो सकता है। और इसके बाद अगर हम इस मोबाइल फोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो HD रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाले 720, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा ही हो जाएगा। तो एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 का ही देखने को मिलने वाला है। लुक की बात करें तो लुक वाइज आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। यहीं पर अगर हम इस मोबाइल फोन की बॉडी की बात करें तो वो आपको प्लास्टिक भी देखने को मिलने वाली है, और फ्रंट जो है वो आपको वाटर ड्रॉप IPS डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन की रैम रोम की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर इस मोबाइल फोन की प्राइस की बात करें तो इस मोबाइल फोन की प्राइस तकरीबन 25 या 30 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट रखी गई है। अगर 25-26 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट प्राइस रखी जाती है तो फिर तो ये मोबाइल फोन आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलने वाला है, बेस्ट मोबाइल फोन यानी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। तो यह चीज़ मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है, यानी अगर हम इसकी रैम रोम की बात करें तो वो भी 4/64 GB हिसाब से देखें तो वो भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। 4 GB रैम 25-26 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट प्राइस में आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। और बैटरी की बात करें तो वो आपको 6000 mAh की देखने को मिलने वाली है, बैटरी तो 6000 mAh की आपको बेस्ट ही देखने को मिलने वाली है। उसके साथ आपको 4 फास्ट बैटरी चार्जिंग की बात करें तो वो आपको 22.5 W का फास्ट बैटरी चार्जिंग देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मोबाइल फोन की ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो टकरा कमान 16 में आपको जो है 33 W का फास्ट बैटरी चार्जिंग देखने को मिलता था। रियलमी फाइव की बात करें तो उस मोबाइल फोन में आपको तकरीबन जो है उसमें 18 W का फास्ट बैटरी चार्जिंग, इसमें 22 W का रखने इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, गुजारा कर जाएगा। 22.5 W ठीक है, 6000 mAh की बैटरी भी तो आपको देखने को मिलने वाली है। तो बैटरी वगैरह और जो स्पेसिफिकेशन बताने थे वो मैंने बता दिया। अगर 25 हज़ार रुपये के राउंड पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होता तो फिर भी आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि आपको इस चैनल पर आगे अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखने को मिलने वाली है इंशाल्लाह ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।